आज पेड़ पे चढ़े हैं अरुण कुमार साहब जी और ये लीची तोड़ रहे हैं। और ये बताइए, ये सब मेरा लीची तोड़ ले रहे हैं। लगता है मकान मालिक को कहना पड़ेगा। ये सारी लीचियां तोड़ रहे हैं, देख लीजिए, ये सब लीची तोड़ रहे हैं लोग। हाँ, रियोना जी भी चढ़ जाइए। अब बाहर विराट जी बाहर खड़े होके लीची का वेट कर रहे हैं कि लीची कब गिरे। लीची आया, वाह, ये लो तो गस चढ़वा है लो बचपने का। ये सब लीची आज टूटेगा। उनके डेडा पूरा आज लीची तोड़ के रहेंगे, पूरा लीची टूटेगा आज। ओहो ओहो, एक भी लीची नहीं टूटा इनसे। आ रही है ये लीची, का आ रही है ये देखिए। और यहाँ रखी हुई है अपना लीची। और ये हमारे घर में लीची का पेड़ आ गया है। ये सिंड्रेला और रियोन ने लीची तोड़ लिया है, इसमें और है क्या देखते हैं हम। डंडड़ा डंडड़ा, देखे सिंड्रेला आपका लीची। वाओ, जय है, जय है। अच्छा, जय 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 है। और इसमें पूरा एक झोला सिर्फ लीची लीची है, और भी है पर रखे हुए हैं सब कोई। ये सिर्फ दोस्तों में बांटने के लिए है। मम्मी के फ्रेंड बहुत है ना, तो सारे मम्मी के फ्रेंड के लिए है ये। और यहाँ लीची पार्टी हो रही है। यहाँ सिंड्रेला, रियोना, मम्मी, उनके डैडा लीची पार्टी कर रहे हैं। तो सभी कोई लीची पे टूट पड़े हैं और लीची खाए जा रहे हैं। और ये रहा मेरा लीची। रियोन जी, रियोना जी और सिंड्रेला, उनका डैडा जी लीची लीची टू लीची कर रहे हैं। यार मेरे घर में ना चाय पानी से ज्यादा यहाँ निक्की जी चाय पिला देती है। और चाय 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 कहाँ गया चाय, ये रहा चाय। और इनके जीजू के लिए चाय है। ये रहा सिंड्रेला और उनकी मौसी का प्यार और रियोन जी का तकरार। ये सिंड्रेला जी अपनी मौसी से पैर दबवा रही है, उनकी मौसी उनका पैर दबा रही है। कैसे कैसे सिंड्रेला जी पैर दबवा ले रही है अपनी मौसी से, और नहीं तो हमसे तो ये दबाती ही नहीं है, और अपने डैडा से दबाती है। डैडा को तो चाय पीने से ही फुर्सत नहीं मिलता है। चाय चाय चाय। और ये निक्की जी अपना मोबाइल देख रही हैं, सिंड्रेला जी हैं अपने भाई से प्यार कर रही हैं, और ये अरियोना जी खेल रही हैं अपने गुड़िया से। और ये दोनों रियोन अरियोना तो बस लड़ाई करते रहते हैं। फाइट हो गई है, इनकी मासी का फोन आ गया और ये गई हैं फोन से बात करने। और ये रहे इनके डैडा फोन में कुछ काम कर रहे हैं, और अरियोन अरियोन तो सिर्फ खेलू खेलू खेलू। आई 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 काटी करते हैं रियोना, ये इनकी आदत हो गई है ना, ये भाई को अपने काट लेती है। बताइए तो फाइट हो गई इनके डैडा और रियोना में, फाइट हो गई। एक खिलौने की छीना छीनी हो रही है। और पानी का बोतल सिंड्रेला ले लिया। अरियोना नहीं बेटा, डैडा से फाइट नहीं करते। रियोन दीजिए, वो दीदी का भी है। नहीं, दीदी का नहीं। तो क्यों नहीं, हो गई, आप थोड़ा सा दीदी को भी दीजिए। आजा सिंधु, करो।
तो ये हमको मिला है बहुत दिनों के बाद और हमको ये बहुत ही पसंद है। मतलब खाना हम खाए या ना खाए लेकिन हमको ये भुट्टे चाहिए तो चाहिए भी। और ये मेरे भाई जी ने बहुत ही पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाया है सिर्फ मेरे लिए। और चलते हैं हम लोग इसको खाते हैं और सबको ही साथ में मिलके खाएंगे हम लोग। ये रही सिंड्रेला जी और ये घर में खाना नहीं खा रही है इसलिए। और अच्छा ये हरियोना जी रात में खाना पचा रही है डांस करके। और इनकी मासी बेचारी खाना खिला रही है सिंड्रेला को। ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये ही आजकल इनको देखती हैं। हम छुट्टी पर है अभी फिलहाल। अभी हम छुट्टी हमको मिली है इनकी मासी इनका टेक केयर करती है। इनकी मासी की इनका अच्छे से देखभाल करती है इसलिए हम छुट्टी पे है आज। आइए दोनों सिस्टर से प्यार। ओह माय गॉड हो गया। घर में खाए चाहे बाहर खाए पर खा तो ले ये लोग। वही रीना रियोन तो खाना खा ली। हाँ बेटा मिक्स लाओ। हाँ नहीं बेटा अभी रहने दीजिए। थैंक यू बेटा। अरियोना को मेरा कितना चिंता रहता है हमको सर्दी हो गई है तो अरियोना कह रही है मम्मा मैं भिक्स लाऊं। तो रात हो गई सोने का टाइम है लेकिन सिंड्रेला की नानी ने कहा कि हाँ भाई चलो सिंड्रेला बेटा अब आप थोड़ा हमको डांस करके दिखा दो। फिर सिंड्रेला और अरियोना ने डांस किया गाने पे छमछम गाने पे। लेकिन अरियोना जी और सिंड्रेला जी डांस कम ड्रामे ज़्यादा करते हैं। अरियोना तो ये जंप करने में बिजी है भाई। जोर से बोलिए तो। अच्छा स्टाइल से।